2023 तक पीआर की सेल लगेगी कनाडा में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कनाडा गवर्नमेंट का डाटा कह रहा है। आई नो आप में से कुछ लोग हैं वो जो ये कहेंगे कि इसने तो ये राजवीर चौहान की इस वीडियो को कॉपी किया है, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारा डाटा नहीं था। सो लेट मी एक्सप्लेन कि क्यों मैंने कहा कि पीआर की सेल लगने वाली है। दिस चैनल इज फॉर दोस पीपल हु वांट टू गो टू कनाडा बट दे डू नॉट वांट टू गेट रिप्ड ऑफ बाय देयर एजेंट्स। सो यू इफ यू वांट टू सेव मनी You must subscribe to it. If you want to live a better lifestyle in Canada, you have to subscribe to this. Because in future, there are some things which are coming and it is going to make your world better. So, I have kept my notes as usual on the TV and now I will be checking that out. So, in 2020, May, PR jinko mili, unka number tha 185,000, yani 1,85,000. एंड 2019 में यही नंबर 3,40,000 था, 340,000। तो जो नंबर है 2020 में वो 1998 के बाद सबसे कम है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अपने इमिग्रेशन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कनाडा क्या क्या हथकंडे अपनाएगा। कोविड की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हर साल 2023 तक जो टारगेट था इमिग्रेशन का उसे 50,000 से इंक्रीज कर दिया जाए, और इस साल का जो टारगेट है दैट इज 401,000। लेकिन वो उसे अचीव कैसे करेंगे आई टेल यू, लेकिन उससे पहले प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। तो हम कहां थे, यस, कितने लोगों को 2021 में पीआर मिली है अब तक। टोटल 158,817 लोगों को पीआर मिली, यानी कि 1,60,000 के करीब। और इसमें से 90,000 वो हैं जो कि लेटेस्ट प्रोग्राम में इंक्लूड हुए हैं, जिनको एसेंशियल वर्कर्स का नाम दिया गया है, और बाकी के हैं 3,496 पीएनपी के, जिन्हें प्रोविंस खुद बुलाती है और उन्हें 600 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, और 65,321 जिनके पास एक साल का कनाडा का एक्सपीरियंस था। तो अगर हम पुराना पीआर का सिस्टम देखें कनाडा का, तो उसमें ये जो 27,332 लोगों को एडिशनली ऐड किया गया था और उनका जो पीआर का स्कोर था दैट वाज जस्ट 75। अगर कनाडा अपना पुराना पीआर वाला प्रोग्राम ही कंटिन्यू रखता तो फिर 13 अप्रैल को जो 27,332 लोगों को पीआर दी गई है सिर्फ 75 के स्कोर पर, उन्हें ना देकर सिर्फ 5,000 या 6,000 लोगों को मिलता और जो टोटल पीआर इश्यूरेंस का नंबर था वो होता सिर्फ 46,485। यानी कि कनाडा ने 1,12,332 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया है, क्यों, ताकि वो अपना 4,01,000 का जो टारगेट है उसे इसी साल में कंप्लीट कर सके। और ये जो 27,332 लोग हैं इनकी जो प्रोफाइल गई है, लोएस्ट प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूं, दैट वाज 45 साल से ऊपर की एज स्पाउस के साथ। अगर आपका स्पाउस आपके साथ जा रहा है तो आपके पॉइंट्स डिक्रीज होंगे। 12th पास, कोई एक्सपीरियंस नहीं होम कंट्री का, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का एक्सपीरियंस है, कनाडा का। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस था एक साल का, और अगर हम लैंग्वेज एबिलिटी की बात करें तो दैट वाज जस्ट आईएलटीएस में 4.5 और 5 बैंड्स ओवरऑल। भाई कितने बैंड आ गए? हां जी वीरे, हुणे मैं टेस्ट दित्ता सीगा, मेरे आ गए 4.5। सो आई मीन थिंक अबाउट इट, अब मई एंड होने वाला है, ठीक है, तो जो टारगेट है वो सिर्फ अराउंड 40% या उससे भी थोड़ा सा कम अचीव हुआ है, और वो भी 1,12,332 एक्स्ट्रा लोगों के साथ। तो अगर हम मंथ्स के हिसाब से टारगेट को डिवाइड करें, ठीक है, सो दैट वुड बी लाइक जस्ट अ लिटिल लेस देन 42%, मतलब वो एक्स्ट्रा लोगों के साथ ही अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। अगर कनाडा इसी तरह के प्रोग्राम्स को आगे भी कंटिन्यू रखता है सो इट मींस कि वो सिर्फ इसी साल में नहीं होगा बल्कि वो 2022 में भी होगा और 2023 में भी होगा। जो आज के फिगर्स हैं उस हिसाब से कनाडा में तकरीबन 500,000 यानी 5,00,000 इमिग्रेंट्स जो हैं वो अभी प्रेजेंट हैं, और जो मार्को मेंडिची ने बताया अपने इंटरव्यू में ग्लोब एंड मेल को, आई एम क्यूटिंग दैट इन अ सेंस इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्को मेंडिची रिकॉग्नाइज दैट द मोस्ट ऑफ दोज 401,000 इमिग्रेंट्स आर ऑलरेडी लिविंग एंड वर्किंग इन कनाडा एंड ऑफ्टन हैव बीन फॉर इयर्स, they just don't have the right kind of visa or haven't accumulated right number of points along our Byzantine immigration pathway to qualify for permanent residency status and eventual citizenship। yani
कि वो खुद कह रहे हैं कि 4,01,000 लोग हैं वे, वो ऑलरेडी कनाडा में प्रेजेंट है। तो जो आज के फिगर से हम वो देखते हैं, जनवरी 2021 से लेकर आज तक जो सीआरएस पॉइंट, जो कि आपका पीआर के पॉइंट्स का जो कट ऑफ था, दैट वेंट फ्रॉम 461 टू 397, और जो इनविटेशंस जो थे वो इंक्रीज हो गए 4,750 से 6,000 तक अप्रैल में, और फिर डिक्रीज हो गए सिर्फ 1,842। तो ये 1,842 का मतलब क्या है कि कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो आने वाले फ्यूचर में बचेंगे ही नहीं, उन्हें पीआर दे दी जाएगी जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, एटलीस्ट उन्हें तो पीआर दे ही देंगे साथ के साथ ही। स्टिल बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में लगाई हुई है और पीएनपी में भी है, और उनका जो स्कोर है, जिनका 400 ज्यादा स्कोर है, उनका नंबर 73,488 है, लेकिन उन सभी को पीआर नहीं मिलेगी। सिर्फ जो लोग कनाडा में हैं उन्हें पीआर मिलेगी, या फिर जिनकी फाइल पीएनपी में है उन्हें पीआर मिलेगी, और किसी को वो पीआर नहीं देने वाले। अल्टीमेटली जो भी लोग या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, 2023 एंड होते होते सिर्फ उन्हें पीआर इजीली मिल जाएगी एज कंपेयर टू दोस पीपल हु डू नॉट हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस। सो अगर हम बात करें कि पीआर जो 1,12,332 लोगों एक्स्ट्रा लोगों को दी गई है पिछले 5 महीने में, तो ये 2021 के बाद में भी होगा, ठीक है, जो आने वाले 7 महीने हैं उनमें, और 2022 में भी होगा, 2023 में भी होगा, मे बी एंड मे बी। कैनेडा जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट लैंड करेगा कैनेडा में स्टडी के लिए तो उन्हें पीआर दे देगा। सो दिस इज जस्ट अ मेटाफॉर। सो ये थी मेरी रिसर्च, आपकी कुछ और व्यूज हो सकते हैं, किसी और के कुछ और व्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स, वुड यू लाइक टू हैव पीआर एंड मोर दीज काइंड ऑफ वीडियोस डिस्क्राइबिंग कि आपको क्या करना चाहिए। सो प्लीज कमेंट बिलो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अदर वीडियो। एंड टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।